हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट को लेकर और रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट को लेकर आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप आज की लेटेस्ट न्यूज़ देख पा रहे होंगे। कांवड़ यात्रा से पहले 3 कट ऑफ की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कांवड़ यात्रा से पहले 3 कट ऑफ जारी करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले पहले 3 कट ऑफ जारी हो जाएंगे और एडमिशन भी हो जाएंगे। सीसीएसयू ने स्नातक पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 जुलाई, फिर जारी होगी कट ऑफ। 8 जुलाई है रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट, इसके बाद में कट ऑफ जारी होना स्टार्ट हो जाएंगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विश्वविद्यालय परिसर यानी कैंपस और कॉलेजों में पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। कांवड़ यात्रा के लिए 22 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से वाहनों व रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले विश्वविद्यालय की ओर से परिसर यानी कैंपस और कॉलेजों में प्रवेश के लिए 3-3 कट ऑफ जारी करके प्रवेश करने की तैयारी है। 3 कट ऑफ कैंपस के लिए आएंगी, 3 कट ऑफ कॉलेजों के लिए आएंगी। तो ये बताया जा रहा है कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है 22 जुलाई तक 3 कट ऑफ या 2 कट ऑफ जारी हो जाएँ। फिलहाल 3 की बात की जा रही है कि 3 कट ऑफ 22 जुलाई तक जारी हो जाएंगी। 3 नहीं होती तो 2 कट ऑफ जारी हो जाएंगी 22 जुलाई से पहले पहले, ठीक है। तो जो पहली कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है वो 15 से पहले ही देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे 12 जुलाई में मिल जाए या 13 या 14, ठीक है। इस डेट में आपको पहली कट ऑफ मिलेगी देखने के लिए। पहले कट ऑफ के एडमिशन के लिए ध्यान से सुने, 3 दिन का या 4 दिन का टाइम मिलेगा। बस 3-4 दिन के अंदर ही आपको एडमिशन कराना होगा। अगर नाम आ गया पहली कट ऑफ में तो, अगर एडमिशन नहीं करा पाए फिर ओपन मेरिट के माध्यम सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। सब कट ऑफ निकलने के बाद में ओपन मेरिट आएंगे तब एडमिशन होगा। तो 12 या 13 जुलाई में पहली कट ऑफ और 15 के बाद में 16 या 17 जुलाई में दूसरी कट ऑफ आ सकती है, या 18 जुलाई तक दूसरी कट ऑफ आ सकती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 8 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हर हाल में करा लें। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, फिर बाद में खोल सकते हैं, दोबारा खोल सकते हैं पंजीकरण। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन खोले जा सकते हैं। यहाँ पर देखें 71,041 विद्यार्थियों ने पंजीकरण पूरे किए हैं। परिसर में पंजीकरण के लिए 4 दिन शेष है। वही कॉलेज में भी 1-2 दिन बाद ही पंजीकरण बंद होंगे। तब तक हुए पंजीकरण के प्रवेश पहले 3 कट ऑफ में होंगे। इसके बाद सीटें रिक्त रहने पर की स्थिति में विश्वविद्यालय की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान पंजीकरण खोले जाएंगे। मतलब पहले ये 3 कट ऑफ आएंगी, अगर सीटें बचती हैं और बचेंगी, ठीक है, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जाएंगे। कब? जब ये 3 मेरिट कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद में, ठीक है। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है वो 8 जुलाई तक रखी गई है। अगर आप लोगों को सीसीएस यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करना है तो 8 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा ही लेना है, ठीक है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आके आपका एडमिशन जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि 3 कट ऑफ आएंगी, तो 3 मेरिट आएंगी, इसके बाद में ओपन मेरिट आएंगी, ठीक है। अगर आपको मेरिट लिस्ट की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12-13 जुलाई में पहली मेरिट लिस्ट आएगी और सभी को सतर्क रहना होगा। 3-4 दिन का टाइम मिलेगा। अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो 3-4 दिन के अंदर आपको हर हाल में एडमिशन करा लेना होगा। एक आपको ऑफ़र लेटर राउंड करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट से। उस ऑफ़र लेटर के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज का आपका ऑफ़र लेटर आए उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और उस कॉलेज में आपको ऑफ़र लेटर जमा करना होगा। एडमिशन का प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन का पूरा प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से आपको हम बता देंगे। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।